आज के वीडियो में हम जमरूल पेड़ को एयर लेयरिंग करने या इसे ग्राफ्ट करने का सबसे आसान तरीका देखेंगे। जमरूल का वैज्ञानिक नाम सिजीजियम समरेंगेस है। यह एक फलदार वृक्ष है जो माइटेसी परिवार के सिजीगियम जीनस से संबंधित है। हल्के हरे रंग का एक मीठा फल, लाल रंग का जमरूल भी उपलब्ध है। जमरूल तो खाया जाएगा, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि जमरूल के पेड़ की एयर लेयरिंग की विधि या इसकी ग्राफ्टिंग कैसे की जाती है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना न भूलें। तो सबसे पहले हमें जमरूल की पौध के लिए दालों का चयन करना होगा ताकि अच्छी पौध हो। यह विधि एयर लेयरिंग का तरीका है। कारण ये है कि मैं उस ब्रांच की एयर लेयरिंग करना चाहता हूँ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। हमें चाकू या कटर से लगभग 1 इंच मापकर छाल को हटाना होगा। फिर इसे चाकू से रगड़कर साफ कर ले। अब देखते हैं कि यह 1 इंच है या नहीं। उस शाखा पर एयर लेयरिंग की जाएगी। उसके लिए कॉकपिट वाली मिट्टी की आवश्यकता होगी। फिर मैं उस शाखा को पानी दूंगा जिसकी मैंने छाल साफ की है कि इसे कैसे लगाया जाए। उसके बाद कॉकपिट वाली मिट्टी लगाऊंगा। मैं शाखाओं को पानी दूंगा।
उसके बाद इसे किसी पॉलिथीन से लपेट देना चाहिए। के बाद इसे नीचे की ओर बांध देना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मिट्टी सूखी न हो जाए। पानी उतना ही देना चाहिए जितनी आवश्यकता हो। लेकिन दोस्तों, आप इसे गर्मी के मौसम में कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे मानसून की शुरुआत में करेंगे तो जड़ें तेजी से बढ़ेंगी। इसमें पानी की कमी नहीं होती और ये तारी शिकार पर पनपते हैं। उसके बाद 35 दिनों के बाद आप देखेंगे कि जड़ें निकल आई हैं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मिट्टी सूखी न हो जाए। पानी उतना ही देना चाहिए जितनी आवश्यकता हो। उसके बाद शाखा काट दूंगा सीमेंट की थैलियों या टबों में रखने के लिए। सीमेंट की थैली में कोको पीट मिश्रित मिट्टी भरें। उसके बाद शाखा लगाऊंगा।
उसके बाद शाखा को सीधा करने के लिए एक बरी लूंगा और उसे सीमेंट की बोरी की मिट्टी से बांध दूंगा। रोपण के बाद मैं यथासंभव पानी दूंगा। उसके बाद टब को हल्की छाया वाली जगह पर रखूंगा। कारण है पेड़ अच्छे से चिपक जाता है। फिर दोस्तों ने एयर लेयरिंग की विधि या इसे ग्राफ्ट करने का तरीका देखा, इसलिए इस पल को ढाका भाषा में अमरूज भी कहा जाता है। देश के कुछ हिस्सों में इसे सादा जाम, मंडल, नोकाट के नाम से भी जाना जाता है। आमतौर पर पौधे बीज से उगते हैं, लेकिन शाखाओं को काटकर पानी में रखने से जड़ें पैदा होंगी। ये बांग्लादेश, भारत, इंडोनेशिया, फिलीपींस, समोआ, श्रीलंका, थाईलैंड आदि देशों में उगता है। जमरूल की खेती उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में व्यापक रूप से की जाती है। जमरूल के पेड़ों पर कीड़ों और बीमारियों का असर नहीं होता है। पका हुआ जमरूल खाने में स्वादिष्ट होता है। जमरूल पेड़ का पौधा काफी बड़ा हो गया है। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि पौधा कहाँ लगाना है। मैं जमरूल का पेड़ एक खाली जगह पर लगाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि यह एक पेड़ है। तो आज के वीडियो में हमें पता चला कि एयर लेयरिंग जमरूल के पेड़ की ग्राफ्टिंग करने का सबसे आसान तरीका है, या इसे कैसे ग्राफ्ट किया जाए। तो दोस्तों, आप इसे घर पर ट्राई कर सकते हैं। 100-100 सफल होंगे, इसकी गारंटी है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। अगर आपको इस चैनल के वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर करना न भूलें, और वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस चैनल के वीडियो पसंद आते हैं तो आप लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।